दोस्तों, कई लोगों के मन में भूत प्रेतों को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे भूत कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और किसे अपना शिकार बनाते हैं, वगैरह वगैरह। किंतु उचित जानकारियों के अभाव में उनकी ये जिज्ञासा अधूरी ही रह जाती है। लेकिन आज हम आपको गरुड़ पुराण तथा अन्य माध्यमों से ली गई जानकारियों के आधार पर भूतों से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां प्रदान करेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भूतों का जन्म कैसे होता है। वैसे इसकी शुरुआत कर्म से होती है। हमारे हिंदू धर्म में कर्म की बहुत ही अधिक महत्ता बताई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वस्तुतः हम मनुष्य कुछ भी कर्म करते हैं तो उसी के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप आज जहाँ हैं, जैसे हैं, वो सब कुछ आपके कर्म का ही फल है और आज आप जो कुछ भी करेंगे उसी के आधार पर आपका आने वाला कल भी निर्धारित होगा। संभवतः इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमें अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। किंतु इन्हीं कर्मों में अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें नरक का रास्ता भी दिखाते हैं। इन कर्मों को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला चरण वो है कि जब मनुष्य कुछ कर्म करता है तो जीते जी उसे उसका फल मिल जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करेगा तो एक दिन वो पेट संबंधी रोग से ग्रस्त हो जाएगा और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब बारी आती है दूसरे चरण की, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में से किसी भी एक योनि में जन्म ले लेता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो वो अपने प्राण त्यागने के बाद मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। किंतु इसके ठीक विपरीत, यदि कोई व्यक्ति छल कपट अथवा चालाकी करता है तो अगले जन्म में वो उल्लू बनकर धरती पर फिर से आ जाता है। इसी प्रकार से मित्रों, अब बारी आती है तीसरे चरण की, जिसके अंतर्गत जब किसी मनुष्य के पुण्य अथवा पापों का घड़ा भर जाता है तो मृत्यु उपरांत वो जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होकर स्वर्ग जाता है या फिर अपने कर्मों के आधार पर उसे नर्क की सैर भी करनी पड़ती है। वैसे गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें पापी जीव को कठोर से कठोर यातनाएं दी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति जीते जी चोरी करता है तो मृत्यु उपरांत उसके सूक्ष्म शरीर को अमरीश नामक नरक की अग्नि में अनंत कालों तक जलाया जाता है। और इस प्रकार से मित्रों, किसी भी मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ये तीन प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं, जिन्हें शास्त्रों में गति कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसी ही उसकी गति होगी। किंतु कई बार कुछ लोग भूख प्यास, राग द्वेष, वासना आदि अनेक इच्छाओं अथवा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें ना तो 84 लाख योनियों में अगला जन्म मिलता है और ना ही वे स्वर्ग अथवा नर्क जा पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मनुष्य मरने के बाद भूत अथवा प्रेत बनकर इसी धरती पर फंसे रहते हैं। आमतौर पर अकाल मौत मरने वाला प्राणी शरीर त्यागने के तुरंत बाद ही भूत बन जाता है और यदि वो जीते जी अत्यंत ही बुरे अथवा पापी चरित्र वाला व्यक्ति था तो भूत से बढ़कर वो प्रेत बन जाता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रेतों का शरीर कैसा होता है। तो दोस्तों, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी गरुड़ पुराण में दिया जा चुका है। इसमें बताया गया है कि संसार में उपस्थित प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं, जिनमें पहला शरीर स्थूल शरीर कहलाता है, जो हमें दिखाई देता है और इसी से हम समस्त प्रकार की गतिविधियां करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा शरीर होता है उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। अतः मित्रों, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु तब भी उसका सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है, जो धुंध और वायु से बना होता है। इसे ना ही काटा जा सकता है, ना ही मारा अथवा नष्ट किया जा सकता है। ये सदा यथावत रहता है। किंतु हाँ, यदि कोई प्रेत चाहे तो वो आपको स्पर्श करा सकता है और आपको उसके स्पर्श का आभास भी होगा। वैसे ये प्रेत बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये चाहे तो बड़े से बड़े वृक्ष को पल भर में उखाड़ सकते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा शोर
अथवा उजाले से चिड़ रहती है, इसीलिए ये रात के समय विचरण करना पसंद करते हैं, विशेषकर कृष्ण पक्ष की 13, 14 अथवा अमावस्या की तिथि को, क्योंकि तब चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होती है और दिन के समय ये सुनसान तथा एकांत जगहों पर पड़े रहते हैं। आमतौर पर प्रेत स्वादिष्ट भोजन, जल, संभोग, नींद, नशा आदि अनेक प्रकार की मानवीय इच्छाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं, किंतु शरीर ना होने के कारण इन्हें वो तृप्ति नहीं मिल पाती है। संभवतः इसीलिए ये ऐसे मनुष्य की तलाश करते हैं जो इन्हें इनकी इच्छाओं की तृप्ति करा सके। विशेषकर ये किसी ऐसे मनुष्य को खोजते हैं जो संकल्पहीन तथा भोगी प्रवृत्ति का होता है और दिन रात बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है। फिर ये उक्त व्यक्ति के शरीर में रहकर उसे वो सब करने के लिए प्रेरित करते हैं जो ये करना चाहते हैं, और उक्त व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता है कि वो किसी प्रेत आत्मा का शिकार हो चुका है। किंतु मित्रों, ये हर किसी को अपनी चपेट में नहीं ले सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म कर्म, गुरु की सेवा अथवा कर्मठता में विश्वास रखता है, ये उसके आसपास भी नहीं फटकते हैं। इसीलिए मित्रों, किसी भी मनुष्य के मन में, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति भूत बाधा से ग्रस्त हो जाता है, तो फिर उसे विभिन्न प्रकार के झाड़ फूक अथवा तंत्र क्रियाओं द्वारा अथवा मंदिर और दरगाहों पर ले जाया जाता है, ताकि वो इन सब झंझटों से छुटकारा पा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत से लोग इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञान किसी भी प्रकार की भूत प्रेत के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तक कि विज्ञान अब से कुछ साल पहले आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार करता था, किंतु अब जो खोजें हुई है उसके आधार पर विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने लगा है। हालांकि वर्तमान में ऐसे कोई उपकरण नहीं है जिनकी सहायता से भूतों की स्थिति को दर्शाया जा सके, किंतु धर्म और आध्यात्म विज्ञान से कई गुना आगे है और वो इन सब बातों पर विश्वास करता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात से सहमत होते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।